हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हुआ 9:15 और मैं अभी उठा हूँ और अच्छे से नींद पूरी की और अपने घर में, और मज़ा भी आया सो के, जबरदस्त वाली नींद पूरी की। और भी फिलहाल मैं उठ के ना अपना वीडियो एडिट करूँ, क्योंकि मेरे ना पिछले दो काफ़ी गैप आ गए इस मंथ ना, तो मैं सोचूँ पहले ना अपना वीडियोज़ एडिट करके अपलोड कर दूँ, बाकी काम बाद में। और फिलहाल मम्मी सुबह सुबह लगा रहे हैं झाड़ू और मैं मम्मी की हेल्प नहीं करवा रहा, क्योंकि मैं अपना वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मम्मी झाड़ू लगा रहे हैं, उसके बाद मैं उनकी हेल्प करवा दूँगा, वो किचन के काम कर लेंगे, ऐसे मिलके हम काम कर लेंगे। फिलहाल अपना वीडियो एडिट करते हैं, बाकी काम बाद में। और टफी वहीं पे है। बाहर ना मौसम बहुत ठंडा है, इतनी ठंड है ना, सारा घर बंद किया फिर भी ठंड है, और हल्की हल्की धुंध भी है। धुंध है, हल्की नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अब छत पर जाने का मन नहीं करता, और टफी को मैं अभी तक भी लेके नहीं आया अपने पास। तो अभी फिलहाल पहले खाना खुना खा लेते हैं, और मैंने भी अपना वीडियो एडिट वगैरह पब्लिश किया अभी। और फिलहाल मम्मी आज सुबह सुबह क्या खा रहे हैं, मैगी। क्या बात है, और ये रही हमारी गर्मा गर्म मैगी, और आज बहुत टाइम बाद मैगी खा रहे हैं, मुंह में देख के ना पानी आ रहा है। कैसी लगी आपको? कब मैगी बनाने का प्लान कहाँ से हो गया? है ना, बहुत ठंड है ना आज, गर्मा गर्म मैगी हो जाए, क्या ही बात है। ये सर्दियों का पहला डे ऐसा है, नहीं तो पहले तो कड़क के दर धूप निकलती है। मैं तो जलंधर में था, मैंने सोचा वहीं पे धूप निकल रही है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे माहौल हो चुका है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी टफी के पास, देखते हैं कैसे रहते हैं, रिएक्शन उसके पहचानते हैं या नहीं पहचानते मेरे को। लोग भी देखना चाहते हो कि पिछले दो वीडियोस में मैंने टफी को बिल्कुल नहीं दिखाया। मौसम कुछ ऐसे हो रखे हैं, ऐसे लगता है कि बस अंदर ही घुसे रहो रजाई, मैं बाहर निकलने का मन नहीं करता। लेकिन क्या है कि काम करनी है ज़िंदगी में, आगे बढ़ना है तो बाहर भी निकलना पड़ेगा, नहीं तो क्या है कि लाइफ हो जाएगी आपकी चिंगालाला। चाची ने हिंदी गाने लगाए हुए हैं, बोल रहा है मेरे को, ये बिल्कुल नहीं मेरे को पहचान रहा ना, बेवफा निकला तू। आगे 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 ओ भाई अभी पहचाना, ओ अच्छा, ओ बस 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 बस, इसने नाखून लगा दिए मेरे को, बस बस बस, मैंने सोचा बेवफा निकल गया तू, पर नहीं यार पहचान गया। नहीं नहीं पहले ना मेरे को ना घूर रहा था ये, मैंने सोचा ये तो पहचान ही नहीं रहा मेरे को। चीजी कंप्लेंट्स लगा रहे हैं इसकी, बहुत सी कंप्लेंट आई तेरी की, बहुत शरारते करता है तू, हैं बहुत शरारते करता है, बहुत शरारते, पहले पहचान ही नहीं रहा था मेरे को। हमारा वाटर प्यूरिफायर अलार्म कर रहा था, तो आज सर्विस के लिए ना इंजीनियर को बुलाया। 121 कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए? 129 ठीक है। वैसे कितना सही होता है पीने के लिए? ये टंकी वाला है, इसका कितना है? इसका 480 480 है सर, 480 के अकॉर्डिंग 120 130। अच्छा मतलब ये है, तो सही है, टीडीएस तो सही है ना, टीडीएस के अकॉर्डिंग सही है। बट अलार्म कर रहा है काफी टाइम से ना, एक हफ्ते दो हफ्ते से, मोर चेक घूम के मजा ही लगाता है ना। ये रही हमारी शाम की गर्म गर्म चाय, आज ठंड बहुत है ना मम्मी, बहुत ज्यादा ठंड होगी, और चाय देख के ही दिल को तसल्ली सी हो रही है। आपने पी ली? और टफी को भी लेके आना है मैंने, वो तो चाची जी के पास है क्योंकि अभी तक लेके नहीं आए। तो टफी को देखे वो बहुत दिन हो गए थे अपने घर में, तो फिलहाल मैं टफी को ले आया। और कैसे भाई, ये इसको पता नहीं क्या होता है, खारिश होती रहती है हर वक्त, और मैं आज थोड़ी सी ना कटिंग भी करवा के लेके आया, थोड़ी सी इसलिए क्योंकि थोड़ी थोड़ी कटिंग करवाता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करवाता। और टफी बहुत खुश हो रहा है कि अपने असली वाले घर आ गया ये भाई। नो ये निकालना, नीचे फेंक दिया इसने, फूलों को देख रहे हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है ये। एक्चुअली पता क्या हुआ था, कल मेरे को आना पड़ा, एक्चुअली मैंने बोला था ना पिछले वीडियो में कि गिफ्ट आया है, गिफ्ट आना है, तो एक्चुअली बहुत से कमेंट भी है कि क्या गिफ्ट आना है, आपने कुछ बताया नहीं, तो भाई गिफ्ट हमारे लिए क्या हो सकते हैं शादीशुदा पर्सन के लिए। एक्चुअली मेरे लिए संबंध आना था, मेरे को ऐसे लगा तो कि संबंध आया मेरे लिए, तो और शादीशुदा लड़कों के लिए क्या आ सकता है ना गिफ्ट में, तो मेरे को ऐसा लगा कि संबंध आया मेरे लिए, तो भाभी जी से नीचे नमन के मम्मी, तो उन्होंने रिसीव कर लिया। एक्चुअली ये ना गलत आ गया, गलत गिफ्ट आ गया किसी का, और ये मेरा है ही नहीं, मेरे को नहीं पता था इसके बारे में, और उन्होंने भी रिसीव कर लिया ये, तो गलत एक्चुअली ऐसे ही ना पकड़ा के चले गए, उन्होंने भी देखा नहीं, मेरे को कॉल किया कि भैया आपका पार्सल आया है कुछ, तो एक तो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी साथ ही साथ आ गया, तो ये किसी और के नाम का, किसी और का गलत एड्रेस का आ गया, क्योंकि ऑर्डिनरी था ये, तो अगर रजिस्टर्ड पोस्ट होती तो रिसीविंग के साथ आपके हाथ में आता, बट नहीं ये ऑर्डिनरी ऐसे पकड़ा गया, तो मैंने भी बोल दिया कि भाई रख लो, लेकिन किसी का गलत है, हम वापस दे देंगे उनको, तो ये तो मेरा है नहीं गिफ्ट, ये किसी और का गिफ्ट है, तो ये था छोटा सा गिफ्ट, गलत संबंध आ गया मेरे पास। चले कोई बात नहीं, चलता रहता है, गलती होगी होगी, वापस दे देंगे, एक्चुअली जिसका उसके पास फोन जाए टाइमली तो ठीक है, इसका तो टाइम बहुत लंबा है, चलो कितनी डेट दी हुई है इसमें मैंने देखा नहीं,
3/6/2023 भाई। हाँ गलत है सामान, गलत सामान है रिसीव हो गए, किसी और दे आगे हुए तभी ना तभी ना जो भी आता है सबके साथ खेलता है। नहीं टफी मम्मी धुई धुआं कर दिया, क्या बात, क्या बन रहा है आज? मिक्स वेज की सब्जी, क्या बात है, गोभी मटर गाजर आलू अदरक और ये लग रहा है हमारा तड़का। और ये समन है जो गलत आ गया मेरे पास, इसको मैं कल पोस्टमैन को दे दूंगा ताकि ये वहीं पे अपने सही एड्रेस पे पहुंच जाए और अपनी डेट्स को अच्छे से अटेंड कर सके वो बंदा। नहीं तो क्या है कि बहुत से लोग ना डर जाते हैं, जैसे समन आते हैं यार एक डर से बने में पता नहीं क्या आगे क्या है। इस चीज़ को ना पॉजिटिवली लेना चाहिए वो, क्यों, क्योंकि ये जहाँ पे हमारी सुनवाई होती है ना आपके हक के लिए होती है, तो कोई डरने वाली बात नहीं होती। ठीक है, आपका पक्ष भी रखा जाता है, सबका पक्ष रखा जाता है, जो भी है ना बंदिस से मैं उसको पहुँचा दूँगा। इसके नेम वगैरह तो मैं नहीं बोलना चाहिए क्योंकि प्राइवेसी का मैटर होता है, मैं किसी का नेम नहीं बोलता। हाँ अगर मेरा होता मैं जरूर बोल देता, बट मेरे पास तो अभी आ चुके हैं पहले ही बहुत पुराने है ना। तो फिलहाल अभी ना बैठ के कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और भूख भी लग चुकी है, सारा दिन बाहर रहा और एक बैड न्यूज़ भी मिली मेरे को सुबह सुबह ही, अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं जहाँ पे अपना LIC में जॉब करता हूँ वहाँ पे हमारे साथ ना हमारे सर होते थे, तो आज अचानक से उनकी मतलब कि आज नहीं कल पिछले कल हार्ट अटैक से ना डेथ हो गई, तो बहुत बुरा लगा हमें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। टाइम का पता नहीं होता कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। हमारे पास इसी ऑफिस में होते थे ना, अभी तो ट्रांसफ़र होकर वो LIC अमृतसर में चले गए थे, बट मेरे साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, कुछ भी काम होते हैं मैं उनसे पूछता होता था है ना, बट टाइम का पता नहीं होता कब क्या हो जाए। मैं भी एकदम से शॉक हो गया जब मेरे को फ़ोन है कि ऐसे नहीं ऐसे हो गए, मैं कि अच्छा, तो बहुत बुरा लगा। बस ये कहना आप भी प्रे करना भगवान उनकी फैमिली को शक्ति दे, अच्छी बॉन्डिंग होती है और टाइम का पता नहीं चलता कब क्या हो जाए किसी के साथ है ना, फिर ज़्यादा ही रह जाती है। बस फिलहाल मम्मी ने ना इसको तड़का तड़का लगा के ढक दिया है अच्छी तरह से सब्जी को। इसमें सब्जी बनती है ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ये क्या है, टफी का मिल्क? नहीं, दही लगाएं। दही, क्या बात है भैया, आज हम आपको दही बनाना भी सिखाएंगे। इसको करेंगे थोड़ा सा गरम है ना, पूरा उबलता हुआ या गरम? नहीं, कितना? थोड़ा सा गरम है ना, मतलब कि जिन्हों कोसा कोसा कहते हैं ल्यूक बाम है ना। उसके बाद ये दही है ना इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसको हम रख देंगे ओवन में और ये सुबह तक हमारा दही चकाचक हो जाएगा। फिलहाल खाना वगैरह खा लिया मैंने, मज़ा आ गया घर का खाना खाया हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना हम बाहर से खाना खा रहे थे, मतलब कि जलंधर गए हुए थे या फिर सुबह भी मैंने मैगी वगैरह खाई हो, दोपहर को तो खाना खाया नहीं क्योंकि बस बाग दौड़ में ही इतना बिजी रहते हैं तो पता नहीं चलता, और पानी जब नहीं पीता मैं ऐसे मतलब बिजी रहता हूँ थोड़ा सा। तो फिलहाल मम्मी भी खाना खाएंगे, मैंने तो खा लिया, अच्छा लगा घर का खाना खा के है ना। मम्मी जो मज़ा घर का खाना खा के आती है ना कहीं नहीं आते, आप जितने मर्जी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ टेस्टी लगता है, लेकिन जो घर का फूड होता है घर का, तभी कहते हैं माँ की रोटी, माँ की रोटी नहीं माँ के हाथों की रोटी अच्छी होती है। और टफी को भी खाना दे दी, और टफी से याद है कि कल ना मम्मी उसका ना मेरे को कार्ड बनाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा अभी जल्दी है ना, क्योंकि आज इसने मेरे को नाखून भी लगाया, नाखून लगाया इसने अभी, वैसे तो छोटा है कुछ होता नहीं, फिर भी मैं कल कंसल्ट करूँगा अभी नाखून लगाया मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं। ऐसे जंप किया तो यहाँ पर नाखून लगाया, ये हल्का ये वाला है, ये मम्मी ये है हल्का सा, बिल्कुल माइनर सा है, क्या करना चाहिए मेरे को बताना जरूर, क्योंकि पहले भी लगाता था लेकिन वो इतना मतलब कि अंदर से खून नहीं निकल रहा, इसने मतलब कि ऐसे किया वहाँ पे ना अच्छी सी कि कहते हैं ना पंजाबी चरीट जी पैगी हुई है लाल रंग की है ना, और मैंने आके डिटोल से अच्छी तरह से साफ किया इसको और कल इसका वैक्सीनेशन कार्ड बनवा के फिर चाहे नाखून लगाए चाहे कुछ लगाए फिर इतना डर नहीं होता, और इसके नाखून भी कटवाने हैं। गुड मॉर्निंग भाई, क्या बात है ऊपर ठंड और धूप दोनों चीज़ें, और सुबह सुबह टफी भी ऐसे शरारते करता रहेगा और तंग करता रहेगा मेरे को, ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा है सुबह भी बहुत ज़्यादा, और मैं हाफ शर्ट में ऐसे ऊपर आ गया, बीमार होने के चांस हो सकते हैं मेरे, कैमरे में वीडियो नहीं बनाते थे, ये तंग कर रहा है तो देखिए ऐसे में ऐसे तंग करता रहेगा, घूमता रहेगा मेरे आगे पीछे। टफी को ऊपर छत पर छोड़ने के लिए कि धूप वगैरह सेक ले और नीचे मम्मी भी झाड़ू वगैरह लगा ले, फिर नहीं तो लगाने नहीं देता ये। बाय, मस्त हो गया भाई, अभी चलते हैं फिलहाल, आज डॉक्टर के पास भी जाना है, इसका वैक्सीनेशन करवाऊंगा आज पक्का। बोल की हालत देख लो क्या कर ले इसने, 2-3 दिनों में मतलब सारी बोल खराब कर दी ना, शरारती हो पर ठंड। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे बंद, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।